अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करूंगी कि हम पहले पालक को बॉईल करेंगे। मैंने ले लिया है खुला पानी, जिसको मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया है। पालक को बॉईल करेंगे, उसमें मैंने डाला है हसबे जायका नमक और साथ थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। बेसिकली नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली होगा, ताकि उसके अंदर एक जायका आ जाए। पालक को मैंने काट कर धोकर अच्छी तरह तरीके से रख लिया था और साथ मैंने शामिल कर दी है हल्दी। हल्दी बेसिकली बॉइलिंग वाटर में इसलिए शामिल करूँगी कि उसका जो असल टेक्सचर, उसका कलर, जो शाइन है पालक की, वो ख़राब नहीं होगी, वही एज इट इज़ रहेगा। तो जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, यानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो पालक मैंने धोकर रखी थी, 2 किलो मैंने पालक ली, उसको मैं उबलते हुए पानी में शामिल करूँगी और उसके बाद उसको तब तक बॉयल करूँगी जब तक ये 80% गल नहीं जाती। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो जब पालक 80% बॉयल हो जाएगी, तो हम पानी ये वेस्ट कर देंगे, ताकि कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए और पालक गल जाए, इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो करते हैं अपनी साथ ही साथ रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसमें 2 अदद मैंने दरमियाने प्याज, जो कि बारीक काट कर रखे थे, उसको मैं भून लूँगी, यानी ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, ताकि आप बोर ना हो और आपको इजीली समझ भी आ जाए वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब प्याज अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन हो जाएंगे, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब प्याज थोड़े से भून जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पेस्ट बनाकर रखा था, 1 से 1.5 चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि उसके अंदर जो स्मेल है, जो उसके अंदर एडिशनल फ्लेवर ऐड होना है, वो भी हो जाएगा। इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से, जायका भी इसमें आ जाएगा बेहतरीन सा। 2 घूंट पानी शामिल करूँगी। ये बेसिक वजह मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि भूनने के बाद इसलिए शामिल करती हूँ कि वो जो प्याज हैं उसमें बेहतरीन तरीके से गल जाएँ। तो जो पानी शामिल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने 1 किलो चिकन इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी 2 मिनट तक फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि वो कलर उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाए और लहसुन अदरक का फ्लेवर भी ऐड हो जाए। साथ ही साथ मैंने डाला है इसमें हसबे जायका नमक और हरी मिर्चें, कुछ कटी भी डाली हैं और साथ कुछ साबुत डाल दी हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी शामिल कर सकते हैं। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन और बहुत ही जायकेदार ये बनेगी, आप यकीन माने। और उसके बाद भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो खुश्क धनिए का शामिल किया, जो कि मैंने खूंटी में पीस लिया था। मैं पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मसालों को जो है थोड़ा दरदरा यूज़ करती हूँ, ताकि उसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, वो भी मैंने बारीकी से काट कर उसमें डाल दिए हैं और इसको सॉफ़्ट होने तक भून लूँगी 2 से 3 मिनट तक। जब थोड़े सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करूँगी, ताकि जब खुशबू आने लग जाएगी। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और पसंद भी बहुत की जाती है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है, और ये नहीं है कि मैंने पहले हल्दी शामिल की है तो इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। इसका अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर, अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका अपनी रेसिपी है। उसके बाद मैंने ये हल्दी डाल दी। हल्दी के बाद हम बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, कोई एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर कोई, और बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। उसके बाद मैंने सफ़ेद जीरे का पाउडर, जो कि पाउडर नहीं लिया मैंने, वो भी दरदरा सा पीस लिया था, वो शामिल किया है। और हसबे जायका आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ करें, मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया है, क्योंकि बहुत फीका खाना अच्छा नहीं लगता मेरे घर में। तो उसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको तब तक भूनना है, जितना बेहतरीन भूनना है कि जब तक हमारा जो चिकन है वो भी तकरीबन 70-80% गल ना जाए और मसाला भी उसमें यकजान हो जाए। तो थोड़ा सा और पानी शामिल करके मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि जो
फ्लेवर है वो प्रॉपर इन्हांस हो जाए, चिकन भी गल जाए और मसाला भी प्रॉपर गल जाए। सो ढक्कन हटाने के बाद जब मसाला काफ़ी सॉफ्ट हो गया तो इसको दरमियान स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जितना भूनूँगी, जितना भून भून के उसको बेहतरीन उसका मसाला बन जाएगा। सो उसके बाद जब वो भुन जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही का। और दही भी शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूँगी और 1.5 से 1.5 मिनट तक मैं उसको ढक्कन लगा के थोड़ा सा पका लूँगी मज़ीद। और ढक्कन हटाने के बाद उसको मज़ीद भूनूँगी, इतना भूनूँगी कि जब उसमें घी अलग होना शुरू हो जाए और मतलब चिकन भी 80% गल जाए। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने शामिल की है मज़ीद जायके के लिए, बहुत खुशबू बेहतरीन इसकी आती है, वो भी मैंने ऐड कर लिया। और इसको जितना अच्छा भूनेंगे मसाले को, उतना ही बेहतरीन आपकी रेसिपी प्रिपेयर होगी, क्योंकि सारा दारोमदार मसाले पे ही होता है आपकी रेसिपी को जितना अच्छा भूनेंगे। सो जो पालक मैंने बॉईल करके रखी थी उसको मैंने ड्रेन करके एक साइड पर रख लिया। इसका मैं पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से घरों में पेस्ट वाली ये जो आप ग्राउंडेड पालक यूज़ करते हैं, प्रॉपर उसको ग्राइंड करके यूज़ करते हैं, वो मेजॉरिटी घरों में यूज़ नहीं होती या पसंद नहीं की जाती। तो ये आज मैं वो जो प्रॉपर असल तरीका है पालक गोश्त का, जो जिसमें थोड़ी मोटी मोटी पालक अच्छी लगती है कि मुंह में आए, जायका लगे, बिल्कुल साग की तरह बिल्कुल पेस्ट ना बना हुआ, वैसी पसंद की जाती, तो वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो शामिल कर दी, उसको 2 से 3 मिनट हिलाने के बाद मैंने ढक दिया ताकि वो पानी छोड़ जाए और प्रॉपर जो थोड़ी बहुत जान में है वो भी गल जाए। सो पानी जब उसने छोड़ना शुरू कर दिया ढक्कन हटाने के बाद, तो अब इसको भी जितना अच्छे तरीके से भून लेंगे गोश्त के साथ पालक को, उतना ही आपकी रेसिपी जो है वो उसका जायका निकल कर आएगा। सो इसके बाद इसको इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं काइंडली कमेंट में ज़रूर बताया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। तो आप देख सकते हैं कि इतना मैंने भून लिया है कि वो बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है, उसके अंदर जो एडिशनल पानी था वो भी एब्जॉर्ब हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो और पानी जो घी है, ऑयल है, वो भी अलग होना स्टार्ट हो गया है। और थोड़ी बहुत अगर है उसके अंदर कसर, तो मैं 1 कप मैंने लास्ट में दूध का शामिल कर दिया है, फुल क्रीम मिल्क। और उसके बाद इससे बहुत ही बेहतरीन जायका, बहुत ही सॉफ्ट बनती है पालक, बहुत ही ड्राई और सॉगी नहीं बनती। तो उसके बाद ये शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी दरमियानी आंच पर, और उतारने के बाद 1 से 1.5 मिनट और भून लूँगी। ना बहुत ज़्यादा खुश्क करेंगे और ना ही बहुत ड्राई रखेंगे, जितनी आपको पसंद हो आप इसको बना सकते हैं। सो रेसिपी आपको कैसी लगी काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको रोटी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं।